वेलकम टू डिजिटल न्यूज। कानपुर में ब्राह्मण समन्वय समिति के तत्वाधान में रविवार को आर्य नगर स्थित परशुराम वाटिका में विशाल विप्र समागम एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। समागम में सवर्ण आयोग बनाने की सरकार से मांग और भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर अवकाश घोषित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। समागम की अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने कहा कि ब्राह्मण की एकजुटता के संबंध में कोई भी भ्रांति नहीं है। ब्राह्मण एकजुट था, एकजुट है और सदैव एकजुट रहेगा। युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज के नवयुवा नशे के दुर्व्यसन में संलिप्त होते जा रहे हैं, जिन्हें सही मार्गदर्शन एवं सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शस्त्र का ज्ञाता है और वह धर्म और देश रक्षा के लिए शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं करेगा। समन्वय समिति के मुख्य संरक्षक डॉक्टर नरेंद्र द्विवेदी ने भगवान नारायण के छठवें अवतार भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर पुनः अवकाश एवं मानक की भांति छात्रवृत्ति प्राप्ति पूर्ति जारी किए जाने की सरकार से शासनादेश जारी करने की अपील की। वहीं मंच का संचालन करते हुए समन्वय समिति के महामंत्री ओम नारायण त्रिपाठी एवं दिवाकर मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण समाज को समाज में संख्या बल के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि परम पूज्य बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज, वीरेंद्र दुबे और डॉक्टर विवेक द्विवेदी भी शामिल रहे। कार्यक्रम में कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी भी शामिल हुए। आयोजन में विप्र समागम के बाद देर शाम कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें लखनऊ से आई कविता तिवारी ने भ्रष्ट राजनेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि औषधि अनुकूल मिले तो सर्प दंश मिट जाता है, दिनकर की किरणों के आगे तिमिर अंश मिट जाता है। कुटिल व्यवस्था से जब प्रतिभाएं अपमानित होती है तब चाणक्य शिखा खुलती है, नंदवंश मिट जाता है। बिहार से आए श्रेष्ठ काव्य रचनाकार शंभू शिखर ने मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा, दीपक की तरह तुम भी जलो पुण्य मिलेगा, कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि भगवान परशुराम जपो पुण्य मिलेगा सुनाया। कार्यक्रम में दी लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री पंडित शरद शुक्ला, अध्यक्ष पंडित रविन्द्र शर्मा, कानपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अनूप शुक्ला, प्रांतीय मीडिया प्रभारी पंडित कमल मिश्र आदि मौजूद रहे। जयंती के मनाने के शुभ अवसर पर हमारा जो कार्यक्रम हुआ विप्र समाज का सर्व ब्राह्मण सभा का ये समन्वय समिति का ये बहुत ही अच्छा रहा। कवियों ने बहुत ही राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति और ब्राह्मण समाज को जगाने की हुंकार भरी। हम कवियों के भी आभार प्रकट करते हैं और हम आभार प्रकट करते हैं अपने सभी हमारे जो संगठन हैं उनसे जुड़े हुए आठों संगठनों का जिन्होंने इसमें भरपूर सहयोग किया और विप्र समाज का जो हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुआ और आखिरी समय तक बना रहा। मैं पत्रकार बंधुओं को और सभी कर्मचारियों को यहाँ के धन्यवाद प्रदान करता हूँ। उन्हें ब्राह्मण समन्वय समिति के तत्वाधान में आज ये राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने यहाँ पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये आज ये विप्र बड़ा विराट विप्र समागम और सम्मेलन था। इसमें हम लोगों ने ब्राह्मणों की एकता पर जोर दिया। ब्राह्मण इस देश का अग्रणी है और ब्राह्मण के हाथ में ही पूरे देश की संस्कृति और सांस्कृतिक परंपरा संरक्षित और सुरक्षित है। क्या ब्राह्मण जागेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, ऐसा आह्वान आज मंच के माध्यम से किया गया। आज हम लोगों ने एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया है, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन इस संदर्भ में भेजा जाएगा। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर जो पहले अवकाश घोषित किया जाता था वो बंद कर दिया गया है, वो अवकाश पुनः प्रारंभ किया जाए। उसके साथ ही साथ सवर्ण आयोग, जिस तरह से अन्य जातियों के आयोग हैं, अनुसूचित जाति आयोग है, OBC आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, उसी प्रकार सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, जिससे हम सवर्ण लोगों की अपने भाइयों की बात सरकार तक पहुंचा सकें, उनकी बात कह सकें। उसके साथ ही साथ छात्रवृत्ति और शुल्क की प्रतिपूर्ति की बात भी रखी गई है, जो पहले की बात मानकों के अनुसार की जाए, ये मांग भी रखी गई है और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इस एकता को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ पर हजारों की भीड़ में लोग एकत्र थे, जिन लोगों ने कवि सम्मेलन में भागीदारी की। खराब मौसम के बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहे अंत तक, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, उन सारे लोगों का बहुत आभारी हूँ जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उन सबका भी बहुत आभारी हूँ। हमारे कवि इतनी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर आए और उन्होंने कविता पाठ किया, मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ।
दिल्ली से तो आई थी कविता तिवारी, जिनकी बहुत ही डिमांड रहती है देश के बड़े कवि सम्मेलनों में, और हम लोग पिछले साल भी जा रहे थे, उनकी तिथि नहीं मिल पाई, तो दिल्ली से कविता तिवारी आई थी। देवास मध्य प्रदेश से आए थे शशिकांत यादव जी, जिन्होंने संचालन भी किया, और दिल्ली से आए थे देश के बड़े कवि जो लाफ्टर शो में भी थे, शंभु शिखर जी। मैं तो कानपुर का हूँ, तो मैं कानपुर से, इतने लोग थे हम लोग सारे लोग, और बहुत अच्छा कवि सम्मेलन रहा। तो धारण करना पड़ेगा, मैं चार पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आपने जो इस देश के लिए किया है आपको समर्पित कर रहा हूँ। कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने, जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने, वो देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाए पटेल ने, कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए, लाड़ प्यार तो बजू जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो काय साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए, और इस पार रे के उस पार की जो जय बोले उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार मैं असली गांधी की बात कर रहा हूँ, ताजे गांधी से मेरा कोई लेना देना। सपरिदर्श मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा, विश्व रंग मंच पर स्वार्थ कनत देख मुझे पर मारत कभी भी बनना पड़ा, सच्चाई पहली वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने पढ़ा इतिहास तब हमी बनना पड़ा, और वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कभी ना पड़ा, वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कभी बनना पड़ा, वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कभी बनना पड़ा, तो कभी हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं, सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं आचार संहिता है इसलिए नाम लूंगा नहीं, लेकिन मेरा इशारा समझ जाओ। आज सुबह एक घंटे जिन लोगों ने मन की बात सुनी हो, मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूँ। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया, कि राष्ट्रवाद और ऐसे संतों की कृपा है, इन्होंने जो जन जागरण किया चौपाल पर बैठकर, आज हजारों लाखों लोग बैठकर इन्हें सुनते हैं तो लोगों को आपत्ति है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इन्हीं संतों के कारण, इन्हीं प्रवचनकारों के कारण देश में जो एक आंदोलन खड़ा हुआ। तो चार पंक्तियां गुरुदेव आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया, ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया, और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का तो, आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का तो, इन भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया, वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। दुनिया को परिवार मान कर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है, आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है, वो मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है, और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है, देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। अब बड़े लोग कविता सुन रहे हैं, विद्वत जन मंच पर है, नीचे बैठे हुए लोग तमाम शास्त्रों के ज्ञाता लोग हैं, मैं विद्वतों को कविता सुना रहा हूँ, चार पंक्ति में एक शब्द चित्र बना रहा हूँ। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications, and this is absolutely free.